दोस्तों स्वागत है आप सभी का इस चैनल में। आज मैं इडली बनाने जा रही हूँ, हेल्दी और वेजिटेबल से भरा हुआ। सबसे पहले एक कटोरी सूजी डाले हैं, एक कटोरी दही डाल रहे हैं, एक कटोरी पानी डाल रहे हैं। तीनों को मिक्स करके इस तरह से आप इस तरह से छोड़ेंगे 5 मिनट के लिए। इस तरह से ढक दिए हैं और इस तरह से मैं चटनी बना रही हूँ इडली के लिए। और देखिए वेजिटेबल्स में जैसे मैं ये गाजर है, नमक है, ये सब शिमला मिर्च, हरी मिर्च है, सब डालकर इसको मिक्स करेंगे। और इसमें बेकिंग पाउडर है जो थोड़ा सा आपको देना है, ज़्यादा नहीं डालना है। और ये सबको मिक्स करके देखिए कितना अच्छा से इसको मिक्स कर लिए हैं। और इस तरह से ये इडली वाले बर्तन में आपको इस तरह से इसमें आप घी लगा कर ये सबको आपको इसको इसमें घोल डाल रहे हैं। और इस तरह से डालकर सबको आप इस बर्तन में थोड़ा सा पानी डाल गए हैं जो पानी में उबाल आ गई है, और इसको सांचे को सब उसमें डालकर आप 10 मिनट के लिए आप इसको छोड़ दीजिए। देखिए 10 मिनट हो गई है और आज आपके इडली बनकर रेडी हो गई है। अब आपको इसको निकालना है। और देखिए इडली बन के मैंने सबको निकाल दिया है। इस तरह से थोड़ा सा आप इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दीजिएगा। देखिए इस तरह से निकाल कितना स्पंज बना है, एकदम सॉफ्ट हुआ है आपका इडली। और आपको अब मैं इस इडली को फ्राई करने जा रहे हैं इसमें कढ़ाई गर्म हो गई है, सरसों तेल डाले हैं, धनिया डालें, कड़ी पत्ता डाले हैं, सूखा मिर्च डाले हैं और सारे इडली को इसमें डाल रहे हैं। सारे इडली को इस तरह से अच्छे से आपको बिछा देना है। आप किसी भी कढ़ाई में बना सकते हैं, नॉन स्टिक कढ़ाई हो या जो भी कढ़ाई आपके पास हो, आप किसी में भी आप यूज कर सकते हैं। देखिए आपको इस तरह से 5 मिनट हो गई है, इसको मैं अच्छे से इसको सबको आप फ्राई कर रहे हैं। देखिए कितना अच्छा से ये फ्राई हो गई है, एकदम कलर भी कितना अच्छा से आ गया है। थोड़ा सा नमक भी डाले हैं इसमें, कड़ी पत्ता ये सब डालकर। आपको अगर तीखा ज़्यादा पसंद है तो आप थोड़ा सा ऊपर से भी गुंदी भी आप डाल सकते हैं। देखिए ये डिश बनकर तैयार हो गई। अगर इस तरह से आप लोग भी इस तरह से डिश बनाइए, अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इसी तरह कॉमेंट में बताइएगा, मैं आगे भी अच्छा अच्छा डिश बनाऊँगी। थैंक यू।